हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे फूले फूले भटूरे, जो छोले के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भटूरे बनाने के लिए यहाँ पर हमने मैदा लिया है। मैदा में डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम दही लिए हैं, तो दही को हम थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी दही को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पानी लेकर के गूँथ लेंगे, तो उतना ही पानी लेंगे जितना भर कि हम आटा को गूँथ सके। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमने अच्छे से आटा को गूँथ लिया है। अच्छे से गूंथने के बाद इसे हम ढक करके 1 घंटा के लिए रख देंगे। तो 1 घंटा होने के बाद यहाँ पर आटा जो गूंथ के रखे हैं वो अच्छे से फूल गया है। तब इसका हम भटूरे बना लेंगे। थोड़ा सा हाथ पर तेल लेकर के अच्छे से चिकना कर लेंगे आटा को। अच्छे से चिकना करने के बाद हम आटा का छोटा सा लोई लेंगे इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा तेल डाल करके दोनों साइड और अच्छे से बेलन से पतला बेल लेंगे। तो भटूरा को हम ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो यहाँ पर हमने भटूरे के इस तरह से बेल करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर पैन रख दिए हैं गर्म होने के लिए। इसमें हम तेल डाल करके गर्म कर लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद भटूरे को डाल देंगे। डाल करके हम उलट पलट करके दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, तेल में डालते ही अच्छे से भटूरे जो है फूल गए हैं। इसे पलट करके हम दूसरे साइड भी सेक लेंगे। तो दोस्तों, भटूरे को आप ज़्यादा बेलेंगे पतला तो वो भी नहीं फूलता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं। तो इस तरह से आपका भटूरा जो है अच्छे से फूल जाएगा। दोनों साइड अच्छे से सेकने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। आपको कभी भी भटूरे खाने का मन हो तो आप छोले के साथ इस तरह से भटूरे घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो भटूरे का रेसिपी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।